बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि एक टू लेन रोड पर कार्स ट्रेवल कर रही हैं। ये कार ए है, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। कार बी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। और कार सी की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की टर्म्स में इसे नेगेटिव लिया जाएगा। बी ए को अप्रोच कर रही है, सी ए को अप्रोच कर रही है, बट अपोजिट डायरेक्शन से। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और सी और ए के बीच का डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है। अब बी के ड्राइवर ने क्या सोचा कि इसे ए को ओवरटेक करना है सी से पहले, सी ओवरटेक करे उससे पहले ये ओवरटेक करना चाहता है, तो कितना मिनिमम एक्सेलरेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। अब इसको करने का तरीका है कि आप ये कैलकुलेट करें कि सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आप वो निकाल लीजिए। उतने ही टाइम में बी को ए तक का जो डिस्टेंस है वो कवर करना चाहिए, उतने ही टाइम में बी से ए तक का डिस्टेंस कवर करना चाहिए बी कार को। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज 15 - 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस विल बी -15 - 10, दैट इज -25 मीटर पर सेकंड। यहाँ माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि सी ए के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो टाइम टेकन बाय सी, टाइम टेकन बाय सी टू मीट ए, ए तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर, और स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो 40 सेकेंड लगेंगे सी को ए तक आने में, यानी कि बी को भी ए तक का डिस्टेंस जो है वो 40 सेकेंड्स में, एट मोस्ट 40 सेकेंड में कंप्लीट करना है, उससे पहले करे तो अलग बात है। तो अब हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस इज 1000 मीटर, स्पीड इनिशियल स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 × 40 प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, × 40 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये मीटर यूनिट नहीं लिखता हूं मैं यहां, 1000 - 40 × 5 200, 1000 - 200 इज इक्वल टू ए इंटू 1600, 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ए इक्वल्स टू 800 बाई 800, और ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बी के पास मिनिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब वो 40 सेकेंड्स के अंदर ए को ओवरटेक कर सकता है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा होगा तो पहले ही कर जाएगा।